गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? चलो आज हम बनाते हैं पनीर की सब्जी देसी स्टाइल में, जिसके लिए क्या क्या चाहिए हमें आप देख लीजिए। ये जीरा है, एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, गरम मसाला, मिर्च पाउडर। अभी अदरक लहसुन को कूट लिया हमने, थोड़ा सा अदरक साबुत है, और मिर्च, सूखी मिर्च, तेज पत्ता, और 3 बड़ी प्याज है जिसको हमने काट के रखा है, क्योंकि अभी ये सरसों का तेल है और इस डब्बे में गरम मसाला है। प्याज जितना रहेगा उतना मतलब अच्छा ग्रेवी बनेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, पनीर फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमने 3 चम्मच ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर जो हमने पनीर को कट करके रखा है उसको डालेंगे। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमने पनीर डाल दिया, अब चलो पनीर को अच्छे से फ्राई करते हैं। हल्का ब्राउन होगा जब तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और इधर हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कुकर रखा है, कुकर में तेल डालेंगे। ये गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। हम लोग सरसों के तेल में ही खाते हैं खाना, इसीलिए हम लोग, आप लोग रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम सरसों का तेल डालेंगे, और इसमें हम देखो थोड़ा सा कम था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। 1-2 तेज पत्ता डाल देंगे। और आपको क्या देखना है प्लीज़ कमेंट में बताएं। साबुत लहसुन डाल देंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरा ना थोड़ा रोड पे घर है तो थोड़ा आवाज़ आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउड होता है यहाँ पे। अभी हमने सूखी मिर्च डाल दिया है, और जो जीरा रखा है वो डाल देंगे, और थोड़ा बहुत साबुत मसाला है वो भी डाल देंगे, और प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से, ऑयल और मसाला सब कुछ मिक्स हो जाए। अभी देखो कितना अच्छा कलर आएगा इसका। अभी जो हमने अदरक और लहसुन कूट के रखा है उसको डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और जो कुछ भी देखना है प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताओ, प्लीज़ में थोड़ा सा सपोर्ट कर दो दोस्तों, प्लीज़। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, प्याज को 2 मिनट तक इसको भूनेंगे अच्छे से। अभी जो हमारा साबुत मसाला है, लिक्विड पाउडर है, वो डालेंगे। हल्दी पाउडर है, नमक है, नमक को डालेंगे, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। अभी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज और तेजपत्ता जो भी हमने डाला है सारा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो फिर अभी हम इसमें चलाते रहेंगे। और प्लीज़ आपको क्या देखना है ये भी आप लोग बताओ। तो देखो अभी ये भून चुका है, 5 मिनट हो गया। अभी हमने इसको अच्छे से भून दिया है, 2-3 मिनट लगता है इसको भूनने में। और भूनने के बाद अभी हम इसमें पानी डालेंगे, स्वाद अनुसार जितना आपको पानी चाहिए, जितना आपको तरी चाहिए उतना ही पानी डालेंगे। क्योंकि अभी पानी डालेंगे, इसके बाद हम पानी नहीं डालेंगे। ये हमारा देसी स्टाइल पनीर है, मेरी मम्मी ऐसा बनाती हैं, इसीलिए हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो अभी पानी डालेंगे और इसको बंद कर देंगे कुकर को, ताकि एक सीटी आएगा स्टीम में, उसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। 1 सीटी के लिए, स्टीम के लिए रख देते हैं। 1-2 सीटी आएगा हाई फ्लेम पे। देखो अभी 2 सीटी आ गया, अभी मसाला हमारा बन गया है। सो अभी हम कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लेते हैं। देखो कितना अच्छा कलर आया है, सीरियसली बहुत टेस्टी बना था। एक बार आप लोग भी बनाओ, और प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पर। देखो कितना टेस्टी, मतलब जितना देखने में टेस्टी है उससे अच्छा खाने में है। देखो क्या कलर है, और क्या मतलब एक एक चीज़ का स्वाद आया है, बहुत टेस्टी बना था। तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करो। अभी हम लास्ट में इसमें गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे, और उसको 2 मिनट ढक के रखेंगे। बस हमारा पनीर तैयार हो चुका है, आ जाओ सब लोग खाने के लिए। गरम मसाला डालने के सबसे लास्ट में ही डालना चाहिए, गरम मसाला सही रहता है, फ्लेवर अच्छा आता है। अभी हम सारा पनीर डाल देंगे इसमें। बस हमारा पनीर बनके रेडी हो गया, आ जाओ सब लोग खा लो। देखो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत टेस्टी बना था। मेरी मम्मी भी बहुत तारीफ़ कर रही थी, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। देखो बनके रेडी हो गया। बस 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है वो फ्लेवर सारा मिक्स हो जाए।
सो चलो अभी हम मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और आपको क्या देखना है प्लीज़ बताना मुझे। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को जूही लाइफस्टाइल में। आपको और क्या देखना है प्लीज़ ये भी कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आ जाओ सब लोग खाना खाने। देखो कितना टेस्टी बना है, आ जाओ सब लोग पनीर की सब्जी चावल के साथ लंच में बना के खाओ, बहुत टेस्टी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय।